Hey there, welcome to another video और आज मैं बात करने वाला हूँ कि how to wash hand properly. So ये जो concept है वो कहाँ से आया सबसे पहले वो जान लेते हैं. तो इन द मिड 1800 के अंदर जो डॉक्टर्स और जो मेडिकल स्टूडेंट्स थे वो क्या करते थे, ऑटोप्सीज करते थे. ऑटोप्सीज मतलब कि जो मरे हुए लोग हैं, जो डेड बॉडीज़ है, उन पर रिसर्च करते थे और ढूंढते थे कि उनके मरने का कारण क्या है. फिर वो आते थे डिलीवरी रूम में और डिलीवरी करवाते थे. तो उस वक्त मैटरनल मोर्टालिटी रेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा था. तो एक साइंटिस्ट जिनका नाम है इग्नाज सेमेलवाइस, उन्होंने स्टडी की कि मैटरनल मोर्टालिटी रेट इतना ज़्यादा क्यों है. तो उन्होंने पाया कि जो डॉक्टर्स एंड जो स्टूडेंट्स थे वो बिना हैंड वॉश किए डिलीवरी करवाते थे, तो इसीलिए मैटरनल मोर्टालिटी रेट बहुत ही ज़्यादा था. तो फिर इग्नाज सेमेलवाइस ने प्रॉपर हैंड वॉशिंग के 12 स्टेप्स दिए. एंड द प्रॉपर हैंड वॉशिंग इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग बिकॉज कि बहुत सारे डिजीज जो है वो ट्रांसमिट होते हैं हैंड से. और प्रॉपर हैंड वॉशिंग करने से जो डर्ट है, जो बैक्टीरिया है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जर्म्स है, वो दूर हो जाते हैं, किल हो जाते हैं. एंड इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरवेंशन टू रिड्यूस इन्फेक्शन भी माना गया है. तो चलिए देखते हैं हाउ टू वॉश हैंड प्रॉपरली इन द 12 स्टेप्स. सबसे पहला स्टेप, व्हाट यू हैव टू डू इज टेक अ हैंड सैनिटाइजर और हैंड वॉश और डेटोल और सोप, इनमें से कोई भी चीज़ लेनी है. Then let's move on to the steps. So number one step is a wash your hand like this, rub your hand like this, then on your back, then second hand. This is a third step. Fourth step, cross position. Fifth step. Sixth step. Seventh step. Eighth step. Ninth, your thumb. Tenth, on other hand. 11th, up to your wrist. 12th, on your other hand. सो ये थे कुछ 12 स्टेप्स प्रॉपर हैंड वॉशिंग के. और ये पूरी जो प्रोसेस है वो 40 टू 60 सेकेंड्स में हो जानी चाहिए. तो इससे आप मतलब बहुत सारे इन्फेक्शन से दूर हो सकते हैं. तो ये था आज का वीडियो. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर इसे कुछ अच्छा जानने को मिला हो, तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन.